महाराष्ट्रमां कोरोनानो कहर डेल्टा प्लस वेरियंटना 21 नवा किस्सा आव्या छे, जेमां रत्नागिरीमां 9, जलगाउंमां 7, मुंबईमां 2 केस नोंधाया छे। दर्दीओनी ट्रावल हिस्ट्रीनी कराई रही छे तपास। देशमां कोरोनाना घटता केस वच्चे चिंताना समाचार। डेल्टा प्लस वायरस वेक्सिनने अने इम्युनिटी बंने पर हावी थई शके छे। मळती माहिती मुजब डेल्टा प्लस वायरसमां ते तमाम लक्षण छे जे ओरिजिनल डेल्टा वेरियंटमां हता, साथे ज बीटा वेरियंटना लक्षणो पण जोवा मळी रह्या छे। कोवेक्सिनो डोज लेनारा माटे विदेश जवानी राह जल्दी थई शके छे। आसान आवतीकाले डब्ल्यूएचओमां कोवेक्सिनने लईने चर्चा थशे। आजे डीसीजीआईनी एक्सपर्ट कमिटी कोवेक्सिनना त्रीजा ट्रायलना डेटानी करशे समीक्षा। ऑन ध स्पॉट वेक्सिनना कारणे रसी अभियान तेज। देशमां एक ज दिवसमां 86,16,000 रसीना डोज अपाया छे। वडाप्रधान मोदीए रेकॉर्ड ब्रेक रसीकरण बदल फ्रंटलाइन वोरियर्स अने रसी लेनार नागरिकोने पाठवी शुभेच्छा। देश में 39,000 से वधु नवा पॉजिटिव केस नोंधाया छे। देशभर में कोरोना से 1,103 दर्दीना मौत थया छे। मृत्युआंक 3,89,000 ने पार थयो छे। एक ज दिवस में 74,440 लोग साजा था। राजधानी दिल्ली में वर्षना सौथी ओछा 89 पॉजिटिव केस नोंधाया छे। कोरोना से प्रदेश में 11 लोगना मौत। राज्य में 1,996 एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना सामेनी चाली रहेली जंग में वेक्सिनेशन की जरूर। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियाए कहू कि आवता महीना में वेक्सिनेशन माटे राज्य में आश्रे 2.5 करोड़ वेक्सिन डोज की जरूर है, जो कि केन्द्र में अत्यार सुधी में 57,00,000 डोज मळ्या छे। दिल्ली में कोरोना केस घटता ज लोकोनी बेदरकारी सामे आवी छे। उखलानी शाक मार्केट में जोवा मळी भारे भीड़। सोशियल डिस्टन्सिंग उड़िया धजा आग्रह। उत्तर प्रदेश में गईकाल एक दिवस में 7,00,000 थी वधु लोकोनुं कराऊ रसीकरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथे ट्वीट करीने आपी जानकारी, साथे ज लोको अने आरोग्य विभाग ने पाठव्या अभिनंदन। झारखंड में आगामी 6-8 अठवाडिया में त्रीजी लहर शुरू थवानी वैज्ञानिकों की आशंका। त्रीजी लहर ने लईने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना नियमों चुस्त पालन ने लईने नागरिकों ने करी अपील। कहू कि तमाम लोग रसीकरण करावे अने नियमोनुं पालन करे। बिहार में 6 महीना में 6 करोड़ लोगना रसीकरण अभियान शुभारंभ करो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम शुभारंभ करो। आ दरमियान मुख्यमंत्री कहू कि संक्रमण अटकावाना तमाम प्रयत्नों चालू है। आ वर्षे नहीं थाय अमरनाथ यात्रा। कोरोना ने कारण लेवाओ निर्णय। हवे बाबा अमरनाथ ऑनलाइन दर्शन कर सकते भक्तों। पाकिस्तान में कोरोना केस में घटाड़ो। केस घटवा छता हजू जोखम यथावत। कराची में स्कूलों खुली मुकाई छे। महीनाओ बाद स्कूल केम्पस में जोवा मळ्या विद्यार्थी। जापान में कोरोना ने काबू में लेवा रसीकरण। कोर्पोरेटर रसीकरणों कराओ प्रारंभ। कंपनीओए पोताना कर्मचारियों ने कोरोना रसी आपवानो कर्यो प्रारंभ। वेक्सिनेशन माटे विशेष व्यवस्था। इंडोनेशिया में कोरोना कहर। सोमवार नोधाया 14,536 नवा केस। 294 दर्दी मौत थया छे। हजू सुधी में कुल केस की संख्या 20,00,000 ने पार थी गई है। रसीकरण कार्यक्रम वेगवंतो बनावा आवशे। मास्क नहीं पहेरवाना दंड ने घटाड़वा माटे राज्य सरकार हाईकोर्ट ने करशे रजूआत। दंड की रकम 1,000 रूपया में घटाड़ी 500 करवानी कराशे अपील। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की सूचना मुजब राज्य सरकार हाईकोर्ट ने करशे रजूआत। राज्य में नवा नोंधाता केस में सतत घटाड़ो नोंधायो। नवा 151 केस सामे आव्या छे। कोरोना थी 2 दर्दीना मृत्यु थया छे। 619 दर्दी साजा थया छे। कोरोना दर्दीओनो रिकवरी रेट 98.9%। आ साथे ज अत्यार सुधी में राज्य में 8,06,812 दर्दी कोरोना ने मात आपी साजा थया छे। तो हाल राज्य में कोरोना 5,649 दर्दी सारवार हेठळ छे, जेमांथी 113 दर्दी वेन्टिलेटर पर छे। राज्यना 11 जिला में एक पण नवो केस नथी नोंधायो। अमदावाद में नोंधाया राज्यना सौथी वधु केस। नोंधाया नवा 36 कोरोना केस। नोंधायेला तमाम केस शहरना कोरोना थी 1 दर्दीनुं मौत, ज्यारे 62 कोरोनाना दर्दी साजा थया छे। अमदावादीओनुं रसीकरण महाअभियान ने बहोळो प्रतिभाव। राज्यमां सौथी वधु रसीकरण अमदावादमां नोंधायुं। प्रथम दिवसे अमदावादमां 57,000 थी वधु थयुं रसीकरण। शहेरमां 38,316 लोकोए, ज्यारे जिल्लामां 18,720 लोकोए मुकावी रसी। सूरत में नवा कोरोना केस में नोंधायो घटाड़ो। नोंधाया नवा 26 केस। शहर में 16 ने जिला में 10 नवा केस। 102 दर्दी साजा थया छे। कोरोना थी 1 दर्दी नु मौत।
वडोदरा में कोरोना केस में घटाड़ो, नोधाया नवा 17,000 केस। शहर में 7,000, जिले में नवा 10 केस सामे आव्या छे। कोरोना थी कुल 111 दर्दी साजा थया छे, ज्यारे कोरोना थी एक पण दर्दी नुं मौत थयुं नथी। राजकोटना जिल्लाओमां अने शहेरोमां घट्युं संक्रमण, नोंधाया नवा 12 केस। शहेरमां 9 केस, ज्यारे जिल्लामां 3 केस सामे आव्या छे। कुल 44 दर्दी साजा थया छे, कोरोनाथी एक पण मौत नोंधાયું नથી। રાજ્યમાં વોકિન રસીકરણ મહોત્સવના પહેલા દિવસે રેકોર્ડ બ્રેક 5,05,060 લોકોએ મુકાવી રસી। 45 વર્ષથી વધુ ઉંમરના 1,09,998 લોકોને અપાઈ રસી, જ્યારે 18થી 45 વર્ષની વયના 3,72,063 લોકોએ લીધી રસી। અમદાવાદના ટાગોર હોલમાં વેક્સિનેશન માટે લોકોની લાંબી લાઈનો જોવા મળી। વેક્સિન લેવા માટે આવેલા લોકોમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સનો અભાવ જોવા મળ્યો। અમદાવાદમાં આજથી મિશન રાહતની થઈ શરૂઆત। વૃદ્ધોનું વિશેષ લેબોરેટરીમાં કરાશે ટેસ્ટિંગ। કોરોના ટેસ્ટિંગથી લઈને બ્લડ રિપોર્ટ અને ઇસીજી રિપોર્ટ ગણતરીની મિનિટમાં મળશે। અમદાવાદ જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગના આક્ષેપ, બીજે મેડિકલના ટેસ્ટિંગ અયોગ્ય હોવાનો કર્યો આરોપ। 15 દિવસ પહેલા પણ બીજે મેડિકલ અને દિલ્હી પત્ર લખીને કરી હતી રજૂઆત। વોકિન વેક્સિનેશનમાં સુરત કોર્પોરેશન રાજ્યમાં મોખરે। સુરતમાં 106% સાથે રસીકરણ કરાયું છે। શહેરમાં ઉધના, લીંબાદ અને વરાછા વિસ્તારમાં સૌથી વધુ રસીકરણ। સાબરમતી નદીના પાણીમાંથી કોરોનાના મૃત અવશેષો મળ્યા બાદ સુરત તંત્ર સતર્ક। સુરતના વિવિધ વિસ્તારોના સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાંથી સેમ્પલ લવાયા છે, જો કે કોર્પોરેશન કમિશનરે કહ્યું કે રિસર્ચના ભાગરૂપે સેમ્પલ લવાયા છે। વડોદરામાં રસીકરણ માટે લોકોમાં જોવા મળ્યો ભારે ઉત્સાહ। શહેરમાં 260 કેન્દ્રો પર રસીકરણની ચાલી રહી છે કામગીરી। પ્રથમ દિવસે વડોદરામાં 27,677 લોકોએ મુકાવી રસી। તો રાજ્ય સરકારના મંત્રી યોગેશ પટેલનું ચોંકાવનારું નિવેદન, કહ્યું કે વેક્સિન ન લેવાને મફતમાં અનાજ ન આપવું જોઈએ। રસી ન લેનારને અનાજ ન આપવાની મુખ્યપ્રધાને કરશે રજૂઆત। મહત્વનું છે કે વડાપ્રધાને દિવાળી સુધી ગરીબોને મફત અનાજની કરી છે જાહેરાત।